फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ एक छोटा सा वर्ड रॉन्ग, जिसे आप कई बार सुने होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, रॉन्ग एक नाउन है, एक वर्ब है और एक एडजेक्टिव है, और इन तीनों सूरत में इनका अलग अलग मीनिंग होता है। कैसे, आइए इन सभी बातों को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझें। जब वर्ड रॉन्ग का यूज एक नाउन के जैसे होता है, तो इसका मीनिंग होता है भूल। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैंने कोई भूल नहीं किया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव डन नो रॉन्ग, यानी मैंने कोई भूल नहीं किया है। आपने कोई भूल नहीं किया, यू डिड नो रॉन्ग, यानी आपने कोई भूल नहीं किया। जब वर्ड रॉन्ग का इस्तेमाल हम एक वर्ब के जैसे करते हैं, तो इसका मतलब होता है बुरा करना या किसी के साथ खराब करना। जैसे आपको अपने दोस्तों का बुरा नहीं करना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू शुड नॉट रॉन्ग योर फ्रेंड। आपको किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट रॉन्ग एनीवन। आपको गरीबों का बुरा नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट रॉन्ग द पुअर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जब वर्ड रॉन्ग का इस्तेमाल हम एक वर्ब के जैसे करते हैं, तो इसका मतलब होता है बुरा करना या कुछ खराब करना। वर्ड रॉन्ग एक एग्जेक्टिव भी है, जिसका मतलब होता है गलत। जैसे तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। मैं गलत हूँ, आई एम रॉन्ग। वह गलत है, ही इज रॉन्ग। कौन गलत है, हु इज रॉन्ग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वर्ड आपके बड़े काम का होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको ये वीडियो पसंद आया, तो क्या इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे? वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।